कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अब तक की सबसे बड़ी एवं ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को 4.5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। भाजपा की इस शानदार जीत से कार्यकर्ता गदगद नजर आए और उन्होंने धर्मशाला में पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को 4.5 लाख से अधिक मतों से जीत निश्चित की है। भाजपा की इस शानदार जीत से कार्यकर्ता गदगद नजर आए और उन्होंने धर्मशाला में पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में रैली निकाली व प्रधानमंत्री मोदी और कपूर के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर कांग्रेस ने टिकट के लिए सबसे ज्यादा रोना जात पात का रोया था। इसी के चलते ही ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से कैंडिडेट आगे किया था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है और इन चुनावों में कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर कांग्रेस के लिए ओबीसी कार्ड जैसा कुछ भी नहीं चला। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने प्रदेश की चारों सीटों पर सर्वाधिक लीड लेकर शानदार जीत दर्ज की है। कपूर स्वयं गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो कांग्रेस ने उनके सामने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशी पवन काजल को ये सोचकर उतारा था कि इस कार्ड के सहारे नैया पार लग जाएगी, परंतु अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा ने कांग्रेस का ये सारे भ्रम तोड़कर रख दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर को जीत की बधाई देने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक मुल्कराज प्रेमी रविंदर धीमान भाजपा संसदीय कार्यालय धर्मशाला में पहुंचे। उन्होंने किशन कपूर को इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से विजय श्री हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। परिणाम घोषित होने से ही किशन कपूर पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे, जहां समर्थकों व कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कपूर का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी। इस दौरान जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं में किशन कपूर के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। पार्टी कार्यकर्ताओं में शामिल महिला व पुरुष किशन कपूर के साथ सेल्फी लेते नजर आए। सरकार की जो सवा साल की उपलब्धि है